वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पे। आज मैं आपके लेकर नए वीडियो, आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक फंक्शन के बारे में। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, कॉल फंक्शन क्या होता है। एक कॉल बैक फंक्शन ये होता है कि जब एक फंक्शन को हमें एज ए आर्गूमेंट एक फंक्शन का नेम करते हैं, जब हम किसी भी फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट एज ए पैरामीट किसी फंक्शन का नेम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन उसको बोलते हैं। देखते हैं कैसे काम करता है। सपोज करो हमने एक सम नाम का फंक्शन बना लिया। ठीक है, हमने एक सम नाम का फंक्शन बना लिया, उसको दो वेरिएबल दे दिए ए और बी, और तीन वेरिएबल दे दिए ए बी और ए बी सी। ठीक है, तो इसको हमने ए बी वैल्यू को प्लस कर दिया तो एक ए बी सी फंक्शन को कॉल करा दिया। ठीक है, कैसे काम कैसे करेगा, तो प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे इस सम से। ठीक है, ये तो फंक्शन है हमारी, इस सम से हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया तो फाइव वैल्यू हमने स्टोर कर दी ए में। फाइव वैल्यू जो फंक्शन सम फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल मारा गया, कहाँ गया, कंट्रोल मारा गया ए में, जहाँ पे इस फंक्शन पे, इस जहाँ कंट्रोल गया हमारा, जो फाइव वैल्यू थी वो ए में चले गई, जो सेवन वैल्यू थी वो वी में चले गई, जो हाई, जी हाई क्या है, जे फंक्शन का नेम। ठीक है, हाई क्या है, जे फंक्शन का नेम, बस जहाँ इसमें ब्रैकेट पैराथेंथिस नहीं डाली हमने। ठीक है, जहाँ पे पैराथेंथिस हमने नहीं डाली, जस्ट फंक्शन का नेम ही एज ए आर्गूमेंट ट्रांसफर करना है हमने। तो ये फंक्शन का नेम हमने ट्रांसफर कर दिया जो ए बी सी में जाके स्टोर हो गया। ठीक है, ए बी सी में स्टोर हो गया, उसके बाद हमने ए और बी को दोनों जो वैल्यू सेंड की थी फाइव और सेवन को प्लस करा के प्रिंट करवा दिया। और जे वाला जो फंक्शन था ए बी सी आर्गूमेंट, हमने हाई फंक्शन जो हाई जो वैल्यू पास की ए बी सी को, ए बी सी को इस फंक्शन सम फंक्शन को जो हाई वैल्यू ट्रांसफर की, तो वो वैल्यू हाई किस में सेव हुई, ए बी सी में। तो ए बी सी एक फंक्शन बन गया और ए बी सी फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। तो कौन सा फंक्शन कॉल हो गया, जो भी इसमें हमने वैल्यू ट्रांसफर, हमने हाई वैल्यू ट्रांसफर की तो हाई वैल्यू तो हाई वाला फंक्शन जो कॉल हो जाएगा। इसको हम कमेंट बना लेते हैं, तो सेव किया मैंने इसको, अभी इसको रीलोड करते हैं। ठीक है, रीलोड किया मैंने तो ये देखो वैल्यू प्रिंट हो गया, उसके बाद हाई फंक्शन। ठीक है, हम कोई भी फंक्शन का कोई भी फंक्शन का नेम एज ए आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया था, अभी हाई फंक्शन को हमने एज ए पैरामीटर पास किया था ए बी सी में। अब क्या करते हैं, अब हेलो को पास करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हेलो को पास करते हैं। हमने हेलो लिखा, जो हेलो भी एक फंक्शन का नेम है, तो सेव किया हमने इसको। ठीक है, अब हेलो आ गया। ठीक है, कि जब फंक्शन का नेम एज ए पैरामीटर, फंक्शन का नेम एज ए आर्गूमेंट पास करेंगे किसी भी फंक्शन को, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, जब किसी भी फंक्शन का नेम एज ए पैरामीटर किसी फंक्शन को पास किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन। जैसे हमने किया, दो टीजर नंबर पास कर दिए, जो एक फंक्शन का नेम पास कर दिया, किसको पास कर दिया, सम फंक्शन को, जो भी हेलो वैल्यू की प्रॉपर्टी थी, जो भी हेलो वैल्यू में था, हेलो फंक्शन का नाम, वो ट्रांसफर कर दिया सम फंक्शन को। सो वो हेलो, जो हेलो था वो एबीसी में स्टोर हो गया। अब एबीसी को हमने कॉल कर दिया, तो जब एबीसी को कॉल करेंगे वो हाई को कॉल कर देगा। अगर जहाँ पे हम हाई को ट्रांसफर करेंगे तो वो हाई को कॉल करेगा, जब हेलो को ट्रांसफर करेंगे वो हेलो को कॉल करेगा। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, आप सोच रहे हो कि हम डायरेक्ट भी फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। सपोज करो हमने जहाँ पे हेलो को कॉल करा दिया, ठीक है, हेलो को कॉल करा दिया, इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट बना देते हैं। सेव किया मैंने इसको, तो अभी इसको जो हेलो प्रिंट हो गया। अगर हम हाई को प्रिंट कराना चाहें, अगर हम हाई को कॉल कराना चाहें तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, ये फंक्शन तो वाइड बन गया होगा, तो इसमें हम हाई को कॉल नहीं करा सकते। ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू, इस वजह से हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन का क्या होगा, जो भी फंक्शन हमें कॉल करना है उसको एज ए आर्गूमेंट ट्रांसफर कर दो फंक्शन को, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं हम। ठीक है, तो जो भी है, अगर हेलो भेजना है, हेलो फंक्शन को कॉल करना है तो हेलो एज ए आर्गूमेंट पास कर दो, अगर हाई फंक्शन को कॉल करना है तो एज ए आर्गूमेंट हाई फंक्शन को पास कर दो। ठीक है, अभी हाई आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया कि हमने जब आर्गूमेंट फंक्शन का नेम जब एज ए आर्गूमेंट पास करना है किसी फंक्शन को, तब हम क्या यूज़ करेंगे, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, उसके बाद है नॉनमस। अनॉनमस फंक्शन क्या होता है, अनॉनमस फंक्शन वो होता है कि जब किसी फंक्शन का नेम नहीं होता, जब किसी फंक्शन का नेम नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनॉनमस फंक्शन बोलते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने एज ए आर्गूमेंट तो पास कर दिया फंक्शन का नेम, अब एक फंक्शन पूरा का पूरा फंक्शन ही ट्रांसफर कर देंगे एज ए आर्गूमेंट 20, फिर से हमको कॉल करेंगे 23 वैल्यू ए में जाएगी, 56 वैल्यू बी में जाएगी, और ये पूरा का पूरा फंक्शन, ये क्या है, ये पूरा का पूरा फंक्शन हमने पूरा का पूरा फंक्शन पास कर दिया किसको पास कर दिया, ए बी सी को पास कर दिया, जे ए बी सी ए बी की वैल्यू प्लस कर दी। जब ए बी सी को कॉल करेंगे ना, जे ए बी सी को कॉल करेंगे, अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, जे वाला अनोनमस हमारा जो फंक्शन कॉल हो गया, कि अनोनमस फंक्शन वो होते हैं जिस फंक्शन का कोई नेम नहीं होता, वो अनोनमस फंक्शन होते हैं अनोनमस, ठीक है। तो इसको हमने किया सेव, इसको हमने सेव किया, तो इसको रीलोड करते हैं, ठीक है, रीलोड किया, तो जे देखो नॉनमस फंक्शन विच फंक्शन डज नॉट हैव एनी एसोसिएटिव नेम, ठीक है, कि नॉनमस फंक्शन वो होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। एज ए हम फंक्शन किसी फंक्शन का नेम भी पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट, और इसे क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन, जहाँ किसी भी नॉनमस फंक्शन को भी पास करते हैं एज ए आर्गूमेंट एज ए पैरामीटर किसी भी फंक्शन के वेरिएबल को, ठीक है। जैसे नॉनमस फंक्शन को हमने पास कर दिया एज ए आर्गूमेंट इस वेरिएबल में, तो उस वेरिएबल को हमने कॉल करा लिया, ठीक है। ये क्या होते हैं कॉल बैक फंक्शन, जब कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, फिर से सुन लो, कि जब किसी भी फंक्शन का नेम एज ए पैरामीटर पास किया जाता है, किसी फंक्शन को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन। जैसे हमने जे किया, हाई किया था, हेलो किया, नॉनमेस फंक्शन, ठीक है। तो जे हमारा था कॉल बैक फंक्शन, आई होप आपको समझ लग गया होगा, फिर भी इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।